केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। इन राज्यों में प्राकृतिक आपदा से जानमाल और फसलों को हुआ था भारी नुकसान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना मामले की सीआईडी जांच के दिए आदेश। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच दो दिनों से जारी गतिरोध हुआ समाप्त। प्रदेश सरकार राज्य की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बनाएगी हेलीपैड ताकि किसी भी आपात स्थिति में उतारा जा सके हेलीकॉप्टर। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, बागवानों को बिचौलियों और सरकार को वित्तीय घाटे से बचाने के लिए टेलीस्कोपिक कॉटन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। अगले साल से प्रदेश में केवल यूनिवर्सल कॉटन ही होंगे मान्य। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को इस वर्ष 1 जनवरी से दे 4% महंगाई भत्ते की अधिसूचना की जारी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला के खलीणी में 78 लाख रुपए से बने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर में मिलेगी अनेक सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीज की जानकारी देने पर सूचना देने वाले को दिए जाएंगे 500 रुपए। प्रदेश के 36 मंदिर परिसरों में स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने भाषा, कला व संस्कृति विभाग को श्रेष्ठता पुरस्कार से किया सम्मानित। केंद्र सरकार 23 अगस्त को पूरे देश में लगाएगी पेंशन अदालत। पेंशनरों की समस्याओं को दूर करना और सुशासन के माध्यम से उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में भी लगाई जाएगी पेंशन अदालत। भूस्खलन के कारण मनाली केलांग राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 48 घंटों से बंद। कोठी से गुलाबा के बीच हजारों वाहन फंसे जिसमें सेना के वाहन भी शामिल। मौसम में सुधार होने के साथ ही भारी वर्षा से प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास तेज। काजा रिकॉन्क्वियो सड़क के माध्यम से 400 और काजा कोक्सर सड़क से 150 से अधिक पर्यटकों को निकाला गया।